कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद अब कांग्रेस में कर्नाटक के अगले सीएम को लेकर जोरदार मंथन जारी है। एक तरफ डीके शिवकुमार है तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ मैया। दोनों नेताओं ने 17 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के आवास पर बैठक की, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से बयान जारी किया गया कि जल्द ही कांग्रेस अगले कर्नाटक सीएम का ऐलान कर देगी। Do not resort to any speculation. Whenever a decision is taken by the Honorable Congress President, we will be happy to inform you. I am only here to quash multiple rumors and hearsay and planted news that are being played on television channels. Please do not believe it. Please do not accept it. Whenever Congress Party makes a decision, either today or tomorrow, इस कड़ी में कांग्रेस सांसद ने बताया कि मीटिंग में क्या हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलकर जो राष्ट्रीय लेवल पे जो होना कंसल्टेशन स्टिल ऑन है, कल भी कंसल्टेशन होंगे और जैसे ही डिसीजन होगा आप लोगों को बताया जाएगा। सर रिपोर्ट सर, हम लोग तो कोशिश करें जितना जल्दी हो, क्योंकि अभी टाइम भी तो कितना हुआ, 13 तारीख को चुनाव हुआ है, 14 तारीख को हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स वहां पे गए थे, 15 तारीख को आके रिपोर्ट दिए, आज दिन भर कंसल्टेशन हुए हैं और फार्मूला भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि बड़ा स्टेट है, इतने बड़ी मैंडेट मिली है, कई हमारे वहाँ पे रीजन्स हैं स्टेट के अंदर, उनमें रिप्रेजेंटेशंस की बात भी है, तो और साथ में क्या सिर्फ चीफ मिनिस्टर का वोट दिलाना है क्या साथ में मिनिस्टर्स का वोट दिलाना है, इसके ऊपर भी तय करना। वहीं बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री मंथन पर निशाना साधा। It is going to reflect on the Congress party that in spite of having a complete majority, they are unable to decide a leader. This shows the internal situation of the party. बता दें, इस वक्त कर्नाटक सीएम रेस में कांग्रेस की ओर से दो चेहरे सबसे आगे हैं, डीके शिवकुमार और सिद्धार्थ मैया। सो वाचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज़ टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।